हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी वो वीडियो क्लिप है एनआईटी तिरुचिरापल्ली की। एनआईटी तिरुचिरापल्ली को बोलते हैं एनआईटी त्रिची छोटे फॉर्म के लिए। ओके, आपने देखा होगा कि इसका कैंपस कितना खूबसूरत है और यहाँ का जो फेस्ट होता है, जो यहाँ का कल्चरल फेस्ट है, वो फेस्टिवल बहुत ही अच्छा है। उसको देख करके मुझे अपने आईआईटी दिल्ली के रेंडेवूज की याद आ गई। बहुत अच्छा लगा उसको कैंपस को देख करके और जिस तरीके से वहाँ पर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्पोर्ट्स डे के बारे में देखा होगा, स्पोर्ट्स में वहाँ पर आपको स्विमिंग पूल दिखा होगा, बाकी चीजें भी दिख रही होंगी। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं एनआईटी त्रिची के बारे में। एनआईटी त्रिची जो है देश के नंबर वन एनआईटीज में आता है, जितनी भी 31 एनआईटीज हैं उनमें नंबर वन आता है। तो उसकी रैंकिंग की बात करें तो नंबर वन हो जाता है एनआईटी में। लेकिन अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग 2019 का देखें तो 10वें नंबर पर आता है। पूरे देश में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें ये 10वें नंबर पर आता है, जबकि देश में 23 तो आईआईटीज हैं, ठीक है, बाकी एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईआईटीज हैं, उसके बावजूद इसका पोजीशन कहां रहा है, 10वें पोजीशन पर। इससे आगे सिर्फ 8 आईआईटी है, एक इसके बाद आता है अन्ना यूनिवर्सिटी, यहां पे आपको फोटो में दिख जाएगा, अन्ना यूनिवर्सिटी आता है, इसके बाद आता है एनआईटी त्रिची 10वें पोजीशन पे, इसके बाद आता है आईआईटी बीएचयू, इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना अच्छा कॉलेज है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो बच्चे जेईई मेंस में अच्छी रैंक लाते हैं उनकी पहली पसंद होती है एनआईटी के मामले में एनआईटी त्रिची, ट्रिपल आईटी के मामले में ट्रिपल आईटी हैदराबाद होती है सबसे आगे, फिर आता है एनआईटी त्रिची। बात समझ आ रही है? ओके, सेवेंथ पोजीशन, ये भी बहुत अच्छा है कि बीआर का जो कोर्स है उसको मिलता है एक तरीके से सेवेंथ रैंकिंग, ठीक है। देश में जितने भी आर्किटेक्चर पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इसकी सेवेंथ पोजीशन है। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में भी ये 17 नंबर पर आता है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है यहां का। ओके, अब बात करते हैं ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बहुत पुराना है भाई, 1964 का है, और यहां का मोटो जो है वो है सत्यमेव जयते। ये देख के मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा बता देना चाहिए, ठीक है। और टाइप क्या है, क्या ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है? नहीं, मतलब ये सरकार द्वारा फंडेड है। ओके, अब बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है, 800 एकड़ में फैला हुआ है। 800 एकड़ हमारी आईआईटी दिल्ली का ये 2.5 मल्टीप्लाई करने पे आएगा, मतलब आईआईटी दिल्ली का ये 2.5 गुना है। बहुत अच्छा है कैंपस। ओके, अब हम बात करते हैं कोर्सेज की। यहां पर सिर्फ बीटेक नहीं होता, ठीक है, यहां पर जो कोर्सेज हैं उनमें बीटेक तो है ही है, बीआर्क है, एमटेक है, एमआर्क है, एमसीए है, एमएससी है, एमएस बाय रिसर्च एंड पीएचडी है, ठीक है, इतने एमबीए का कोर्स होता है। तो इतने कोर्सेज यहां पर करवाए जाते हैं, ठीक है। अब बाकी जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन हम मेनली यहां पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक के बारे में या बीआर के बारे में। ओके, ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन जेईई मेन। जेईई मेन में जैसी आपकी रैंकिंग होंगी उस आधार पर आप यहां पे आएंगे। मैं बताऊंगा कितनी रैंकिंग जरूरत है किस ब्रांच में आने के लिए। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होना चाहिए, 65% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए, लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 65% मार्क्स होना चाहिए। ओके, ये जो है 75 जनरल एंड ओबीसी के लिए होता है। अब हम बात करेंगे सीट और कोटा के बारे में कि कितना परसेंट कोटा लगता है, होम स्टेट कितना है, अदर स्टेट के लिए कितना है, देख लेते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है कि 50% जो है होम स्टेट कोटा लगता है, और इस होम स्टेट कोटे के अंदर दो कोटा अलग से बन जाएगा, दो पार्ट अलग से बन जाएगा, फीमेल का अलग से परसेंटेज लगता है और न्यूट्रल मतलब मेल एंड फीमेल का एक साथ लगता है, और उस न्यूट्रल पार्ट के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर आपको जनरल एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ये वाली भी कैटेगरी देखने को मिलेगी। यही सेम चीज अदर स्टेट में भी होता है, अदर स्टेट में भी 50% सीट आपके लिए होगी जो अदर स्टेट के होंगे जो तमिलनाडु के नहीं है, फीमेल के लिए अलग से परसेंटेज होगा, और न्यूट्रल में वही जनरल एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाला कैटेगरी ये भी लगेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ब्रांच के हिसाब से। ब्रांच के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 50% न्यूट्रल सीट है और 10% फीमेल की सीट है। ओके, उसी तरीके से अगला क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 48 and 10 हो जाएगा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 50% न्यूट्रल, 10% फीमेल हो जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% न्यूट्रल, 10 यहां पे 10-10 सीटें फीमेल की देख रहे हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बड़ा अच्छा है, यहां पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के भी अच्छी खासी अच्छा खासा कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर एक बार आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि ये सारी कैटेगरी में डिवाइड होगा न्यूट्रल वाला, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्यूशन फी के बारे में।
ठीक है, आखिरकार इंस्टीट्यूट में कितना फीस लगता है, तो यहाँ आपको एक फोटो दिखेगी, उसमें देखिए लिखा होगा कि जो कॉशन फी देनी है पहला वन टाइम रिफंडेबल वो है 7,000 रुपये, वन टाइम फी अलग से दोबारा देनी है 17,250 रुपये, और ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 62,500 है, और अदर फी पर सेमेस्टर 6,000 रुपये लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 92,750 रुपीज दिख रहा है, लेकिन मैंने पूरे 4 साल का देखा तो ये करीब 74,000 के आसपास आता है, जो ये आप वन टाइम रिफंडेबल आपको मिल जाएगा और एक वन टाइम फी लग रहा है, तो इस तरीके से टोटल जो मिला के 74,000 पर सेमेस्टर आपका इंस्टीट्यूशन फीस आएगा। ठीक है, अगला आते हैं हॉस्टल फीस पर। हॉस्टल फीस में वही कॉशन मनी देख लीजिए, वन टाइम फी देख लीजिए, हॉस्टल जो चार्ज है पर सेमेस्टर का 11,000 रुपये है, अदर जो फी है वो भी पर सेमेस्टर के हिसाब से 8,000 दिया है, मेस एडवांस 16,500 रुपये है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 40,850 रुपये दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें से भी जब पूरा ईयर का आप निकालेंगे, मतलब पूरे 4 साल के लिए निकालेंगे, ये औसत भी करीब करीब 36 के आसपास बैठ रहा है। ठीक है, तो शायद समझ गए होंगे कि 36 के आसपास आपका हॉस्टल फी हो जाएगा और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन फी हो जाता है 74,000 के आसपास। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इसलिए देखो मेस एडवांस पर सेमेस्टर लिखा है कि इसके बाद अगर आप रुकते हैं पर सेमेस्टर के ब्रेक में तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, बात समझ आ रही है। और इसके मेस के बारे में एक चीज बताऊं कि जितना मैंने अभी सब सर्च किया है गूगल से लेकर के फेसबुक सब चीजों पर, वहां पर मुझे एक चीज दिखी कि वहां पे टोटल 22 हॉस्टल्स हैं, ठीक है, नहीं 24 हॉस्टल हैं, 24 हॉस्टल में 8 मेस है सिर्फ, ठीक है, 8 मेस है, और उसी तरीके से गर्ल्स के लिए भी सिर्फ 2 मेस है, तो आपको क्या है कि दूर से एक मेस में खाने जाना पड़ता है, ऐसा सिस्टम है कुछ। ठीक है, कि वहाँ पे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल ज़्यादा हैं, 24 हॉस्टल है, तो वहाँ पे सिर्फ 8 मेस होते हैं, आपको साइकिल से, बच्चे साइकिल से ही वहाँ पे, मैंने देखा वीडियोज़ में, तो वहाँ पे बच्चे साइकिल से जाते हैं वहाँ पे खाना खाने। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत लगी, आपके हॉस्टल में ही आपका मेस नहीं है, थोड़ा सा दूर है। अब हम फीस वेवर्स की बात करेंगे, उसमें देखिए कि पहला लिखा होगा 100% ट्यूशन फी वेविंग हो सकती है एससी एसटी और पीएच स्टूडेंट के लिए, उनको कोई फीस नहीं देनी है। इसके बाद आते हैं जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए, उनमें 1,00,000 पर एनम जिनके पिताजी की इनकम होगी या फैमिली की इनकम होगी, उनको छूट मिलेगी पूरी तरह से, 100% फीस माफ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी ऑफ द जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज बिटवीन 1,00,000 to 5,00,000, अगर किसी के पिताजी की इनकम 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में है तो 2/3 माफ हो जाएगा, ये भी एक अच्छा स्टेप है। ओके, अब हम इवेंट्स की बात कर लेते हैं जो कॉलेज में होते हैं, तो एक अच्छे कॉलेज में जो जो इवेंट्स होने चाहिए वो एनआईटी त्रिची में होते हैं। ठीक है, अच्छा खासा फेस्ट होता है, कल्चरल जो फेस्ट होता है वो फेस्टेम्बर के नाम से है और टेक्निकल फेस्टिवल प्रज्ञान के नाम से है, इन दोनों को या इन दोनों की जो क्लिप है उसको आपने अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर सपोर्ट ग्रुप की, इसकी एक बिल्डिंग है द ऑक्टागन, अलग से कंप्यूटर के लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है जिसको बोला गया द ऑक्टागन, इसका थीम है द डेयर टू ड्रीम। ठीक है, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा द डेयर टू ड्रीम, इसलिए मैंने सोचा शेयर कर लेता हूं। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा चीज है, ठीक है, कि कितना प्लेसमेंट होता है, तो प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज देखिए, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग का 95%, सिविल इंजीनियरिंग 92%, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 100%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 97%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 98.3%, बहुत शानदार है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का 94.3%, ओवरऑल मिलके यूजी का आता है 96.2%। आपको वैसे बता दूं यहां पीजी कोर्सेज के भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एमसीए हुआ, एमबीए हुआ, इन सब में। ओके, अब हम इसके एवरेज पैकेज की बात करते हैं, यहां पर जो एवरेज पैकेज है उसके बारे में मैंने उनके फेसबुक पेज पे देखा है और कोरा पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देखे, तो हमने एक आइडिया लगाया कि बहुत सारे बच्चों ने अपना जवाब दिया हुआ है और वो कुछ हद तक सही लग रहा था कि बहुत सारे बच्चों का मैच कर रहा था। ठीक है, तो वहां पे मैंने देखा कि 7.5 लाख to 8.5 लाख के आसपास आ रहा है पूरे कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो। ठीक है, इसका कोई कंप्लीट डेटा कहीं पर वेबसाइट में नहीं है। ओके, मैं आपको सीएस के बारे में बताता हूं, सीएस के बारे में 12.5 से लेकर
13.5 लाख तक के बीच का ये आपका एवरेज पैकेज आता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो बहुत इयर्स में 28 लाख के आसपास गया, मतलब 30 लाख के आसपास गया है। यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी कंपनीज ने विजिट किया था, तो 220+ कंपनीज ने विजिट किया था, ये उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो कंपनीज आई हैं बड़ी कंपनीज में, उनमें है गूगल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा, सैमसंग, सोनी, बहुत सारी कंपनीज हैं, ओरेकल, और आपको फोटोज में बहुत सारी दिख जाएंगी, बजाज वगैरह है। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनी से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये बहुत सारे बच्चे नहीं ले जाते, बहुत गिने चुने बच्चे ले जाते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ काउंटिंग होती है उनकी, ज़्यादा बच्चे नहीं ले जाते क्योंकि वो सफाई क्राइटेरिया है, वहाँ तक का वो पैकेज उनको देते हैं। ओके, अब हम कट ऑफ की बात करेंगे। वैसे कट ऑफ की बात यहाँ पे समझना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारी कैटेगरीज हो जाएंगी। एक तो अदर स्टेट का कोटा, फिर तमिलनाडु स्टेट का कोटा, तमिलनाडु स्टेट में भी सारे एक साथ फीमेल का, फिर न्यूट्रल पार्ट में जनरल एससी एसटी ओबीसी, उसी तरीके से अदर स्टेट का। मैंने सिर्फ अदर स्टेट का यहाँ पे डेटा लिया हुआ है और उसमें भी जनरल का सिर्फ लिया हुआ जो ओपन है सबके लिए, ठीक है, और मैंने राउंड 7 उठाया हुआ, राउंड 7 तक का फाइनल यही था, राउंड 7। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कितना तक लाना पड़ता है। यहाँ पे सीएससी ब्रांच लेने के लिए आपको 338 से लेकर 1140 रैंक के बीच में लाना पड़ेगा, ये 7th राउंड तक का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। ओके, सिविल इंजीनियरिंग के आप देख सकते हो 2347 से लेकर 3358 तक, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए के देख सकते हो अच्छा खासा रेंज है, 10,000 तक में हो जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4500 और ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3474। फाइनली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा सीट हो जाती है यहाँ पे देख लिया, मतलब बहुत ज्यादा रैंक हो जा रही है, 15188 रैंक तक में आपका सिलेक्शन हो जाता। तो ये फाइनल हमने राउंड 7 वाला बता दिया। वैसे बाकी कैटेगरीज का देखने के लिए ओबीसी एससी एसटी इस वीडियो के सबसे लास्ट वाले पार्ट में मैं कुछ फोटोज डालूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में देख लें। वैसे आपको जाकर के वेबसाइट जरूर देखना चाहिए, वेबसाइट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करिए और जाकर के देखिए वेबसाइट, ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जा रहा है, वो उसको बताने में बहुत ज्यादा टाइम खर्च होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेशन आ गई होगा कुछ कट ऑफ के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में और वहां के फेस्ट वगैरह के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हो गई होगी एनआईटी त्रिची के बारे में, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे कॉलेज का रिव्यूज कर रहा हूं तो उसको आप यहां पे देख लीजिए, कुछ कॉलेज का मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है। वैसे आप बताएं कि किस कॉलेज का हमें और रिव्यू करना चाहिए जो आपके लिए काम का हो। अगर ये वीडियो आपको लगती है ये काम की है या आने वाली कुछ वीडियोस आपके काम की होने वाली हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगला इंफॉर्मेशन मिल सके कि वीडियो कब आने वाली है। ओके, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। वैसे मैं वहां पर कोशिश करूंगा अगली वीडियो में वीआईटी वेल्योर के बारे में आपको बता सकूं। ओके, चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।